अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। हलका हैदराबाद पार्लियामान के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर ओवैसी के हक में मजलिसी अराकीन असेंबली की इंतखाबी मुहिम जारी। मुख्तलिफ हलकों में पैदल दौरा, आवाम से मुलाकात। बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। टीआरएस उम्मीदवार हलके सिकंदराबाद साई किरण यादव ने मुशीराबाद हलके के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। सिकंदराबाद नशिस्त पर टीआरएस की कामयाबी का किया दावा। नौ अप्रैल की शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम का होगा इख्तिताम। 11 अप्रैल को दोनों तेलुगु रियासतों में होगी रायदेही। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल। चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर रजत कुमार की मीडिया कॉन्फ्रेंस। पार्लियामानी इंतखाबात के जिमन में की जाने वाली गाड़ियों की तनखी के दौरान हवाला रकम रियाकत बेनकाब। 4 करोड़ से जायद नकद रकम की गई जब्त। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर रजत कुमार ने बताया कि तेलंगाना के तमाम 17 पार्लियामानी हलकों में पुरअमन और गैर जानबदाराना इंतखाबात के इनेखाद के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं, जबकि हसास पोलिंग बूथ्स पर जायद सिक्योरिटी फोर्स तैनात की जाएगी। उन्होंने बताया कि 9 अप्रैल को शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम होगा। चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर रियासत तेलंगाना रजत कुमार ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 11 अप्रैल को तेलंगाना में पहले मरहले की रायदेही तमाम 17 पार्लिमानी हलकों में सुबह 7 तो शाम 5 बजे तक मुनक्किद की जाएगी और 9 अप्रैल को शाम 5 बजे तक इंतखाबी मुहिम का अख्तिताम होगा। और बताया कि वोटर स्लिप इलेक्शन कमीशन की जानिब से घर घर पहुँचाई जा रही हैं और इंतखाबात को पुरअमन और गैर जानबदारा बनाने के सिलसिले में कमीशन की जानिब से तमाम तर इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। प्रचारम गुरिंची मीकु तेलुसु 48 अवर्स बिफोर द क्लोजर ऑफ पोल मेमु अन्नी पब्लिसिटी कैंपेनिंग अवेनी आपेस्तामु नॉट ओनली कैंडिडेट्स द्वारा बट आल्सो इन द प्रेस इन द सोशल मीडिया इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कूडा आपतामु। सो जनरल गा मन स्टेट लो एनकल 5 o'clock ఆన్ 11th కంప్లీట్ అయిపోతుంది కాబట్టి 5 o'clock ఆన్ 9:05 లోపల మొత్తం ఇవి అన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. ఆ తర్వాత ఏం క్యాంపెయినింగ్ జరగకూడదు. సార్, నిజామాబాద్ క్యాండిడేట్స్ సంబంధించి ఇండిపెండెంట్ క్యాండిడేట్స్ మొన్న మీరు వెళ్ళారు ఎలా? అక్కడ ఈ క్యాండిడేట్స్ అయితే పొలిటికల్ అరీనాలో రాజకీయ రంగంలో మొదటిసారి పాల్గొంటున్నారు. వాళ్ళకి కొద్దిగా అండర్స్టాండింగ్ కూడా క్లియర్ కట్గా లేదు. తర్వాత ఫస్ట్ టైంలో వాళ్ళు పాల్గొంటున్నారు, కొన్ని ప్రాక్టికల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వచ్చినాయి. అంటే సింబల్స్ ఎట్లా చూడాలి, మా సింబల్స్ ఏముంది. సింబల్స్ అయితే ఆల్రెడీ ఆన్లైన్గా ఉంటాయి. అక్కడ అలాట్మెంట్ టైంలో జస్ట్ పేరు రాస్తారు. డీజిల్ ఇంజిన్ ఒకరికి వచ్చింది, ఒకరికి వయలిన్ వచ్చింది. అవి అన్నీ అంటే సింబల్ యాక్చువల్గా ప్రచారం కోసం ఏం వాడాలి. తర్వాత అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఇవన్నీ ఆన్లైన్ అవైలబుల్ ఉన్నాయి, అక్కడ నుండి డౌన్లోడ్ చేయవచ్చు. తర్వాత యాక్చువల్గా ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ ఎక్కడి నుండి వస్తుంది, మా ఏజెంట్స్కి ఎక్కడ రిపోర్ట్ చేస్తారు, అవి అన్నీ క్లియర్ కట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాము. ఐ థింక్ దే ఆర్ అ లిటిల్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్. మా ప్రాసెస్ మీద కూడా కొంచెం నమ్మకం వచ్చింది. వాళ్ళు ఒక రిక్వెస్ట్ చేశారు, ఎక్కువ మంది పార్టిసిపెంట్స్ ఉన్నారు, మేము కోరుతున్నాము మాకు కొంచెం ప్రచారం కోసం తక్కువ. मजलिसी उम्मीदवार हल्के पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की तायीद में पुराने शहर में मजलिसी अराकीन असम्बली काफ़ी जोश व खरोश के साथ इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। पैदल दौरे करते हुए आवाम से मुलाकात की जा रही है और 11 अप्रैल को पार्लिमानी हल्के हैदराबाद की रायदेही के मौके पर मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में वोट देने की अपील की जा रही है। अराकीन असम्बली आवाम से इस बात की भी अपील कर रहे हैं कि वो अपना एक एक वोट इस्तेमाल करते हुए रायदेही के फीस में इजाफा करें। कुल मिलाकर मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के याकूतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने इतवार को इमामबाड़ा, SRT कॉलोनी, हाफिज नगर, मदीना नगर, बी ब्लॉक के अलावा दोबीघाट इलाके का पैदल दौरा किया और मकामी आवाम से मुलाकात की।
इस मौके पर आवाम में काफ़ी जोश व खरोश देखा गया। रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी ने आवाम से अपील की कि कुल हिंद इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के सदर और हल्के पार्लिमान हैदराबाद के उम्मीदवार बैरिस्टर ओवैसी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करें। उनके हमरा इंचार्ज हल्के याकूतपुरा यासर अरफात, डिवीजन कॉरपोरेटर वाजिद अली खान, नसरीन सुल्ताना, डॉक्टर समीना और मुजफ्फर हुसैन के अलावा मुहिबान मजलिस की कसीर तादाद मौजूद थी। कुलमे इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के रुकन असेंबली हल्के कारवान कौसर मोहीउद्दीन ने एतवार को अलकरीम कॉलोनी, अकबरपुरा, मीनार कॉलोनी, बंजारी दरवाज़ा के अलावा अदराफ व अकनाफ के इलाकों का पैदल दौरा किया। उन्होंने आवाम से फर्दन फर्दन मुलाकात की और उनसे 11 अप्रैल को पार्लिमानी हल्के हैदराबाद की रायदेही के मौके पर मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल करने की अपील भी की। उन्होंने रायदेही के फीसद में इजाफा करने की भी आवाम से पुरजोर अपील की। इस मौके पर डिवीजन कॉरपोरेटर के अलावा सरगम मजलिसी कारकुनान, इब्तदाई सदूर और मोतमदीन भी मौजूद थे। हल्के पार्लिमान सिकंदराबाद के टीआरएस पार्टी उम्मीदवार तलसानी साई किरण यादव की इंतखाबी मुहिम जोश व खरोश के साथ जारी है। साई किरण यादव ने हल्के असेंबली मुशीराबाद के मुख्तलिफ इलाकों बशमूल इंदिरा पार्क का पैदल दौरा करते हुए मुकामी आवाम से मुलाकात की और पार्लिमानी इंतखाबात ने टीआरएस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर हल्के असेंबली मुशीराबाद के रुकन असेंबली और टीआरएस कॉरपोरेटर्स के अलावा सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। वाज रहे कि मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से भी साई किरण यादव के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है और मुख्तलिफ मुकामात पर आवामी जलसे भी मुनक्किद किए जा रहे हैं। तेलंगाना गड्ड मीद गुलाबी झंडा मन गुलाबी झंडा एगुरुतुंदि केसीआर गुलाबी झंडा कारु गुर्तु झंडा तेलंगाना नेल मीद गुलाबी झंडा मन गुलाबी झंडा एगुरुतुंदि कारु गुर्तु गुलाबी झंडा मन गुंडेला
గుండె గుండెనొకటి చేసి గులాబీ జెండా మన గులాబీ జెండా తెలంగాణ సాధించిన గులాబీ జెండా మన గులాబీ జెండా గుండె గుండెనొకటి చేసి గులాబీ జెండా మన గులాబీ జెండా తెలంగాణ సాధించిన గులాబీ జెండా కారు గుర్తు జెండా కేసీఆర్ సారు ఎగరేసిన జెండా కారు గుర్తు జెండా తెలంగాణ బిడ్డలకు అండా దండా మన గులాబీ జెండా కేసీఆర్ కేసీఆర్ మన కేసీఆర్ సారు ఎగరేసిన జెండా కారు గుర్తు జెండా తెలంగాణ బిడ్డలకు అండా దండా మన గులాబీ జెండా తెలంగాణ గడ్డ మీద గులాబీ జెండా మన గులాబీ జెండా ఎగురుతుంది కేసీఆర్ గులాబీ జెండా కారు గుర్తు జెండా ఆత్మ గౌరవాన్ని పరాయి పెత్తనాన్ని చల్ ఆత్మ గౌరవాన్ని చాటి చెప్పిన జెండా మన గులాబీ జెండా పరాయి పెత్తనాన్ని పాతరేసిన జెండా కారు గుర్తు జెండా అదిగో తెలంగాణ గడ్డ మీద గులాబీ జెండా. सीनियर कांग्रेस कायदीन शशिधर रेड्डी और जी निरंजन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से मुलाकात करते हुए उन्हें एक मेमोरेंडम हवाले किया और इस बात की शिकायत की कि ओहदेदार टीआरएस कारकुन की तरह टीआरएस पार्टी की मदद करते हुए इंतखाबी जाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं. सीनियर कांग्रेस कायदीन शशिधर रेड्डी निरंजन ने चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रजत कुमार से मुलाकात की और उन्हें एक याददाश्त हवाले की. बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि नुमाइंदगी की गई है कि आंध्र प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी का इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिस तरह तब्दील किया गया है उसी तरह तेलंगाना में भी ऐसे अहदेदार जो टीआरएस कारकुन की तरह काम कर रहे हैं और टीआरएस की मदद कर रहे हैं उन अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाए. उन्होंने बताया कि अहदेदारों को टीआरएस से इतनी मोहब्बत है कि वो मुलाजिमों से इस्तीफे देते हुए टीआरएस में शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं लेकिन इंतखाबी जाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी भी हो रही है. मेट्रो रेल मोन्न थर्ड फेज इनाग्रेशन टाइम लो कोड़ा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अमल लो उन्ना संगति कोड़ा उन्ना गानी चीफ सेक्रेटरी गारु गवर्नर ने पिलपिचे से वार अनेदी इनाग्रेशन चेंज टच जरिगिंदि. अदे विधंगा निन्ना ए अयिते निवेदिक विडुदल चेसामु अनि मोन्न चेप्पडं जरिगिंदो वारु आ निवेदिकलो गत 4 संवत्सरालुगा मुख्यमंत्री की केटी रामारावुकु తర్వాత డిపార్ట్మెంట్ హెడ్స్కు ఏమేమి అవార్డ్స్ వచ్చాయో అనే విషయం కూడా ఆ నివేదికలో పొందుపరచారన్నమాట చెప్పడం జరిగింది. కేటీ రామారావు గారు ఇప్పుడు మంత్రి కాదు, ఆయన వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, ఆయనకేమి అవార్డులు ఇచ్చారనే విషయం ఏ విధంగా అనేది ఆ నివేదికలో పొందుపరచారు వారు జవాబు చెప్పాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. వారు ఎంబడే తమ పదవికి రాజీనామా చేయాలి లేకుంటే ఎలక్షన్ కమిషన్కు అయినా ఏ విధంగానైతే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో చీఫ్ సెక్రటరీని తమ పదవి నుంచి తప్పించారో ఆ విధంగా తప్పించాలని కోరుతా ఉన్నాం. सीनियर टीआरएस खायद एडवोकेट मोहम्मद बुरहान ने आवाम से अपील की है कि जीएसटी में कमी लाने और अखिलियतों के तालीमी मुआशी व पसमानदगी को दूर करने के अलावा मुल्क भर में तेलंगाना की तरह गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग देने शादी मुबारक और रेसिडेंशल स्कूल्स के क़याम के अलावा दीगर स्कीमात को मुल्क भर में रूबेमल लाने के लिए तेलंगाना के 17 पार्लिमानी हलकों में से 16 पर टीआरएस और हैदराबाद की नशिस्त पर मजलिस के सदर बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब आप करें और रायदही के फीसद में इजाफा करें. तेलंगाना की पार्टी टीआरएस पार्टी केसीआर साहब की कार को वोट दे और 16 के 16 टीआरएस के एमपीस को जिताए तेलंगाना में. और एक हमारी तेलंगाना की बहुत हैदराबाद की पुरानी पार्टी कदीम पार्टी एमआईएम असदुद्दीन ओवैसी साहब जो के बैरिस्टर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, इंटेलिजेंट हैं और मुसलमानों की तरक्की के लिए काम करने वाले, मुसलमानों के लिए हमदर्द उस बेहतरीन इंसान को बाहरी अक्सर से हैदराबाद में जिताएं. जब 16 और असद साहब जीत कर दिल्ली में कार में पतंग उड़ाते हुए जाएंगे तो पतंग जिस तरह से कार में उड़ते हुए जाएगी और वो कार और पतंग मिलकर आपकी पसीने और मेहनत का पैसा आपके टैक्स के जो रूप में गया है उसको वापस लाकर अभी जो तरक्की है उससे दुगना तिगना तरक्की होगी, आपके बच्चों का मुस्तकबिल बनेगा. मान लीजिए जब तेलंगाना आए तो 24 घंटे करंट हैदराबाद तेलंगाना स्टेट में है, कोई दूसरे स्टेट में नहीं है. यहाँ पर जिस तरह से केसीआर साहब के जो डेवलपमेंट है, जब बच्चा पैदा होता है तो केसीआर किट मिलती है, 12,000 रुपये मिलते हैं, बच्ची पैदा हुई तो 13,000 रुपये मिलते हैं. साथ ही साथ उस माँ को अच्छा बेहतरीन खाने के लिए भी
स्कीम्स हैं, और उसी साथ साथ बच्चा जब बड़ा होता है तो उसके लिए बेहतरीन स्कूल का इंतजाम किया गया है, रेजिडेंशियल स्कूल का, जिसमें सर के तेल से लेकर पैर के जूतों तक की सारी मुफ्त में 1,25,000 रुपये खर्च कर रही है हर मुसलमान बच्चे के लिए। उसी तरह से BC, SC, ST और मुख्तलिफ लोगों के लिए, इवन अगर कोई रेड्डी ब्राह्मण हो, कोई ऊंची जात। तर्जमान तेलंगाना कांग्रेस कमेटी निज़ामुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्होंने ऐसे सियासी जमातों के कायदीन जो 100% इंतखाबी मंशूर पर अमल पैरा होने का दावा करते हैं और कामयाबी भी हासिल करते हैं, बाद अज़ां अपने दावों से वो मुकर जाते हैं। तर्जमान तेलंगाना कांग्रेस कमेटी निज़ामुद्दीन ने ऐसे कायदीन को मुजाहिद आज़ादी महात्मा गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर देने का मंसूबा बनाया है ताकि मस्कुरा कायदीन इलेक्शन में जमहूरी उसूलों और खवानीन को याद रखें। सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के TRS उम्मीदवार TSI किरण यादव ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब करते हुए बताया कि तेलंगाना की दो सेकुलर जमातें TRS और मजलिस ने मिलकर 17 अराकीन पार्लियामेंट के साथ फेडरल फ्रंट कायम करने का मंसूबा बनाया है और फेडरल फ्रंट की हुकूमत तश्कील देते हुए किले गोलकुंडे की तरह लाल किले पर भी परचम लहराया जाएगा। सिकंदराबाद पार्लिमानी हलके के TRS उम्मीदवार TSI किरण यादव ने सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस को मुखातिब किया। उन्होंने कहा कि TRS अपने इंतखाबी वादों पर 100% अमल आवरी करेगी और मुल्क के वज़ीर आज़म के ओहदे पर उदयाला KCR जैसे सेकुलर कायद जो गंगा जमनी तहजीब को फ़रोग दे रहे हैं उनकी ज़रूरत है। उन्होंने बताया कि TRS के 16 और मजलिस की एक जुमला 17 नशस्तों के साथ शानदार कामयाबी हासिल की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज़ादी के मौके पर किले गोलकुंडा में परचम लहराया जा रहा है, इस तरह लाल किले पर भी परचम लहराया जाएगा। आनी रहीम से शुरू करता हूँ, वैसे बिस्मिल्लाह का अदा करते हुए 100% साहब, ऐसी शख्स, ऐसी डायनेमिक चीफ मिनिस्टर जो तेलंगाना का यहाँ पर मिला है, ऐसी प्राइम मिनिस्टर भी भारत देश को मिलना चाहिए कि उम्मीद से ही एक ऑर्गेनिक पार्टनरशिप लगा लिया अपन असद साहब से, क्योंकि बोथ भी इंसान सेक्युलर है। हमारा चीफ मिनिस्टर साहब महाकाली को फंड्स देते हैं, इफ्तार पार्टी गवर्नमेंट मनाती है, क्रिश्चियन डिनर गवर्नमेंट मनाते हैं, और असद साहब को तो आप जानते हैं, बहुत ताल्लुकात लगाते हैं माइनॉरिटी भाइयों से, उनकी सपोर्ट करते हैं, नौजवानों की अच्छी तरक्की करे, ऐसा बैरिस्टर असद साहब करते हैं। ये दोनों ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन इंशाल्लाह चाहे तो 100% 17 सीट आए तो वो 170 बना लेंगे, क्योंकि नेशनल प्लेयर्स उनकी कंट्रोल में है, क्योंकि भाई ये दोनों रोल मॉडल है। तेलंगाना चीफ मिनिस्टर जो है तेलंगाना को रोल मॉडल बनाया है। सब लोग सोचे कि नरेंद्र मोदी कुछ करेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी भी KCR साहब का रईत बंधु स्कीम कॉपी करे तो इमिडिएटली पब्लिक को, आवाम को क्या समझ में आया बोले तो, अच्छा KCR साहब कर सकते हैं बोल के समझ में आ गया, और पब्लिक को ये समझ में आ गया। और एक बात मैं शहरी में बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जल्द घुसती नरेंद्र मोदी का बिल्डअप कितना बड़ी थी कि उनकी का मकसद था आसमान से लेके जमीन तक और जमीन से लेके आसमान तक बस हवा ही हवा है, ऐसी थी उनकी 5 years की डेवलपमेंट। इसलिए एक डायनेमिक चीफ मिनिस्टर जो हर मजहब को, हर रिलीजन को, हर निज़ामाबाद में रुकन पार्लिमान के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन को पुरमन इंतखाब मुनाकिद करने के मुतालिक 35 करोड़ के अखराजात आ रहे हैं, जहां निज़ामाबाद में 185 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं, जिसमें 170 का ताल्लुक किसान तबके से है। पहले यहां पर बैलेट पेपर से इंतखाब होने वाला था, मगर बाद में इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर EVM मशीनों को मुहैया करवा दिया, जहाँ पर 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। हिंदुस्तान भर में निज़ामाबाद एक वाहिद हलका है जहां पर 185 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक निज़ामाबाद के 7 असेंबली हलकों के हिसाब से हर हलके में फीकस 3 करोड़ रुपये के अखराजात हो रहे हैं, जबकि जायद अज 15 करोड़ के अखराजात का भी हिसाब किताब लगाया गया है।
ٹاسک فورس ویسٹ زون، نارتھ زون اور سینٹرل زون ٹیموں نے مختلف مقامات پر گاڑیوں کی تنخی کے دوران 2,60,00,000 روپے سے زائد نقد رقم برآمد کی ہے جو غیر قانونی طور پر منتقل کی جا رہی تھی۔ کمشنر پولیس کے مطابق پنجا گٹہ، ملک پیٹ، بنجارا ہلز پولیس اسٹیشن حدود میں گاڑیوں کی تنخی کے دوران 2,60,39,070 روپے رقم برآمد کی گئی، جبکہ موسیٰ رام باغ حدود میں کی گئی تلاشی کے دوران 2,32,40,000 نقد رقم برآمد کی گئی۔ اس سلسلے میں جملہ 4 کیسز درج کیے گئے اور 4 ملزمین ایم ستویک ریڈی، سوروپ گوئل، ٹی کاشیناتھ ریڈی اور بی روی کو حراست میں لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مذکورہ رقم حوالہ ریاکٹ میں استعمال کی جا رہی تھی۔ کمشنر پولیس انجنی کمار نے اس سلسلے میں میڈیا کو تفصیلات بتائیں۔ پچھلے 48 آورز میں حیدرآباد سٹی پولیس کے طرف سے الیکشن کمیشن آف انڈیا کے گائیڈ لائنز کے مطابق انفورسمنٹ ڈرائیو، ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کا انفورسمنٹ ڈرائیو جو چل رہا ہے، اس کے تحت ہیوی کیش سیجر ہوا۔ اس کیش سیجر میں پچھلے 2 دنوں میں ٹوٹل 4,92,89,000 روپیز کا کیش سیزر ہوا۔ یہ کیش سیزر میں جو پہلا کیس ہے وہ سوماجی گڑا کے پاس ایک اپارٹمنٹ کے پاس، ٹاسک فورس کو انفارمیشن کے مطابق جب ریڈ ہوا تو اس میں 2 آدمی ستوک ریڈی اور سورو گوپال، یہ دونوں کے پاس سے 26,19,000 کیش ریکوری ہوا۔ یہ ایس ایچ او پنجا گٹا کے لمٹ کا کیس ہے۔ اس کے بعد جو سیکنڈ کیس ملا وہ نارتھ زون ٹاسک فورس کے طرف سے، جب ایک سوئفٹ کار کا چیکنگ ہوا، اس کار کے چیکنگ کے تحت تنڈرا کاشیناتھ ریڈی اور بھکیا روی، یہ دونوں کے پاس سے 34,30,000 کیش کا ریکوری ہوا۔ اس کے بعد جو تیسرا کیس ہے وہ ویسٹ زون ٹاسک فورس کے طرف سے انووا وہیکل کے چیکنگ کے سمے 1,00,00,000 کیش ملا۔ اس کے بعد جو فورتھ کیس ہے جس میں کہ بسو تارکم کینسر ہاسپٹل کے پاس ٹویٹا انووا کار نمبر 9999، اس گاڑی کے چیکنگ کے سمے 1,00,00,000 کیش ملا، جو کہ نالگونڈا پارلیمنٹ کانسٹیچوئنسی کے لیے جا رہا تھا، جیسا کہ ڈرائیور کا اسٹیٹمنٹ تھا۔ یہ پورے آپریشن میں ہمارے ڈی سی پی ویسٹ زون، ڈی سی پی ایسٹ زون، ڈی سی پی ٹاسک فورس اور ان کے پورے ٹیم مل کر کام کیے۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم نے ملاردیوپلی پولیس کے اشتراک سے 18 سال پرانے قتل کیس کو حل کرتے ہوئے 4 افراد کو حراست میں لے لیا۔ کمشنر پولیس حیدرآباد انجنی کمار نے میڈیا کو بتایا کہ 18 سال قبل 30 سالہ محمد خواجہ ساکن ہاشم آباد چندران گٹے کا قتل ہوا تھا۔ اس سلسلے میں پولیس نے 4 ملزمین بشمول ایک خاتون کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار شدگان میں 48 سالہ سید ہاشم، 48 سالہ محمد رشید، 48 سالہ بشیر احمد قریشی اور 70 سالہ مسودہ بھی شامل ہیں۔ آج اس پریس میٹ میں آپ لوگ کو ایک بہت پرانا، لگ بھگ 18-year-old مرڈر کیس کا ڈیٹیکشن ہمارے ٹاسک فورس ایڈیشنل ڈی سی پی چیتنیہ کمار اور ان کے لیڈرشپ میں ہوا، جس میں کہ راجندر نگر اے سی پی اشوک چکرورتی اور ان کا پورا ٹیم کا کوآپریشن بھی بہت اچھا رہا۔ یہ مرڈر جون 2001 میں ہوا تھا اور یہ کیس سائبرآباد کا میلار دیو پلی پولیس اسٹیشن کا کیس تھا۔ اس کیس میں جو 3 اکیوزڈ اریسٹ ہوئے ہیں ان کا نام ہے سید ہاشم، محمد راشید، بشیر احمد اور اس میں ایک ایبسکانڈنگ لیڈی ہے جس کا نام شریمتی ماسودہ بی، جس کا ایج ابھی 70 years old ہے اور ابھی یہ ایبسکانڈنگ ہے۔ اس کیس کا ڈیسیزڈ محمد خواجہ، ایلیس جلا ہوا خواجہ، سن آف محمد صاحب، ایج 30 years ایٹ دا ٹائم آف افینس، یہ چندرائن گٹا کا رہنے والا تھا۔
और बचपन से ही गैम्बलिंग, ड्रिंकिंग, ये सब के वाइसेस के कारण इसको घर में काफ़ी परेशानी होती थी और इसके भाई बहन जितने थे और ब्रदर इन लॉ सबके साथ इसका रिलेशन बहुत ख़राब रहता था। घर में अपनी मदर को इतना ज़्यादा ये हरास करता था कि मदर परेशान होकर घर छोड़कर एक दूसरे घर में जाकर रहने लगी थी और उसके बाद नए घर में भी आकर यह सभी लोग को परेशान करता था। इसका कारण कि उसको शुरू से ही ड्रिंकिंग, प्लेइंग कार्ड्स और बाकी सब सोशल वाइसेस का आदत लग गया। परेशानी से इतने ज़्यादा ये लोग हो गए कि ब्रदर इन लॉ सब मिलकर एक हाशम को बुलाए और ये लोग सब मिलकर एक दिन खाजा को एक ग्रेप गार्डन में ले जाकर सब लोग मिलकर टॉडी पिए उसके साथ और उसके बाद स्टोन से उसको वहीं पे उसका मर्डर किए। इस एंटायर केस में जो 2001 का केस है, एक्चुअली कोई क्लूज पहले नहीं था, इसीलिए लोकल पुलिस उसको अनडिटेक्टेड डिक्लेयर करके केस क्लोज कर दी थी। हमारे टास्क फोर्स को जब इन्फॉर्मेशन आया और उसके बाद मैलारदेवपल्ली पुलिस स्टेशन साइबराबाद से मदद लेकर एसीपी अशोक चक्रवर्ती से हेल्प लेकर ये केस डिटेक्ट हुआ और इस केस में तीन अक्यूज अरेस्ट हुए। इस केस से ये प्रूफ होता है कि हैदराबाद सिटी पुलिस का जो कमिटमेंट है कि कोई भी ग्रेव केस नया हो या पुराना हो, पहले अगर वो डिटेक्ट नहीं भी हुआ है तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि केस को डिटेक्ट करना और उसके जो सही अक्यूज्ड हैं उनको अरेस्ट करके अदालत के सामने पेश करना। थैंक यू। एक्साइज टीम ने बाबा सुखी तला पर कार्रवाई करते हुए नानल नगर से चलाए जा रहे एक कुकीन फरोख्ती के रैकेट को बेनकाब किया और दो नाइजेरियाई शहरियों को हिरासत में लिया गया। मस्कुरा नाइजेरियाई शहरी बेंगलुरु से कोकीन हैदराबाद लाते और जरूरतमंदों को भारी कीमत पर फरोख्त कर रहे थे। नाइजेरियाई बाशिंदों के कब्जे से 25 ग्राम कोकीन बरामद की गई, जबकि मजीद कार्रवाई के लिए उन्हें गोलकुंडा पुलिस के हवाले किया गया। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। हल्का हैदराबाद पार्लियामान के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर ओवैसी के हक में मजलिसी अराकीन असेंबली की इंतखाबी मुहिम जारी। मुख्तलिफ हलकों में पैदल दौरा, आवाम से मुलाकात, बैरिस्टर ओवैसी को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील। TRS उम्मीदवार हलके सिकंदराबाद साई किरण यादव ने मुशीराबाद हलके के मुख्तलिफ इलाकों का किया दौरा। सिकंदराबाद नशिस्त पर TRS की कामयाबी का किया दावा। नौ अप्रैल की शाम 5 बजे इंतखाबी मुहिम का होगा अख्तिताम। 11 अप्रैल को दोनों तेलुगु रियासतों में होगी रायदेही। तमाम तर इंतजाम मुकम्मल। चीफ इलेक्ट्रल ऑफिसर रजत कुमार की मीडिया कॉन्फ्रेंस। पार्लियामानी इंतखाबात के जिमन में की जाने वाली गाड़ियों की तनखी के दौरान हवाला रकम रैकेट बेनकाब, 4 करोड़ से जायद नकद रकम की गई जब्त। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पयाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।